ओबीसी विरोधी सरकार है। आपने भी सुना कि ऐसी बहुत सारी गलतियां की जा रही है जो गलती सरकार को नहीं करनी चाहिए, लंबे समय से ये गलती मतलब वो लोग कर रहे हैं। आप बताइए कि एक ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारियों का वेतन जोड़ने का काम, जो नॉन टैक्सेबल इनकम है एग्रीकल्चर में उसमें उसको जोड़ने का काम, और उसको जोड़ के ओबीसी के आरक्षण से बाहर करने का काम ओबीसी लोग का काम जो कर रहे हैं, ये सरकार के लोग जो है ओबीसी विरोधी जो काम कर रहे हैं वो गलत बात है। और ये ओबीसी विरोधी सरकार जो है, हमारा ये कहना है कि आप कम से कम ओबीसी का चिंता कीजिए। जो लोग आपको लंबे समय तक वोट करते रहे, आप उसके विरोध में काम करते रहे हैं, उसके विरोध में काम करने के बजाय उनके हितों की रक्षा करने का काम कीजिए। मेरा ये सरकार से आग्रह है, संदेश है, आने वाले इलेक्शन में ये ओबीसी विरोधी सरकार को जनता जो है सबक सिखाने का काम करे। आरसीपी सिंह आज जो जदयू से थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जदयू के, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं सर, क्या नालंदा से चुनाव लड़ेंगे 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता तय करेंगे वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये वो लोग तय करेंगे, बड़े नेता लोग हैं वो लोग तय करेंगे जी। और सर, ये इन दिनों अभी बाबा बागेश्वर का पोस्टर भी फाड़ा जा रहा है बिहार में, क्या मिलने के लिए जाइएगा आप क्या सर? देखिए, मैं बिल्कुल जाऊंगा मिलने के लिए, और वो लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि उनके मन में ही बाबा बागेश्वर हैं, और वो लोग भी हनुमान कथा घर में पढ़ते हैं। आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी जब शादी करके आए थे तो सारी जगह मंदिरों में वो पूजा कर रहे थे और सबसे मन्नत मांग रहे थे कि हम जल्दी से चीफ मिनिस्टर बने। अब बताइए, वो लोग भी विरोध करते हैं, सरकार भी विरोध करते हैं, उनके परिवार का भी विरोध करते हैं, तो अब इसका क्या करना, ये नौटंकी नहीं ठीक है सर। और किसी के आस्था पर चोट करना, कहीं से भी आस्था, ये गलत बात है। आप खुद ही पूजा पाठ हर जगह करवा रहे हैं, आपके पूरे परिवार के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी खांसी काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आप जब खुद ही पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो इस तरह से नौटंकी करना अच्छी बात नहीं है। और घर में देखिएगा, हमें बता रहा हूँ कि हनुमान कथा लोग वहाँ लाइव घर में बैठ के देखेंगे, लोग वहाँ से जनता के सामने नहीं जान लीजिए। तेज प्रताप यादव ने देशद्रोही तक के कह दिया था, डरपोक तक के कह दिया था, उनका क्या संज्ञान लेना, जिनको कोई जिनका कोई मतलब दिमाग ही नहीं है, बस मानना समझ नहीं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।